हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं सो के उठ गई हूँ। झाड़ू मैंने लगा दिया पूरे घर में, अब लगा रही हूँ पोंछा। तो आज मुझे पूरा घर लीपना है और वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है। और कल हमारे यहाँ पे होगी अखंड रामायण का पाठ और उसके बाद फिर 1 तारीख को है भंडारा। आप लोगों को मैंने ब्लॉग में बताया था तो इसलिए तो बाहर तो कमरे में और बरामदे में मैंने लगा दिया पोंछा, बस ये अंदर वाला कमरा रह गया था और बरामदा, तो इसमें भी लगा देती हूँ। और अखंड रामायण का पाठ है इसलिए पूरा घर लीपना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सारा काम जल्दी से कर लिया है। और मम्मी खाना बना लेंगी तो हम लोग लीप लेंगे मिलके। काफ़ी लोग हो गए और बुआ भी आ गई हैं। तो चूल्हे के लिए मैंने नई मिट्टी डाल ली है तो इससे मैं पोत रही हूँ। और बरूसी मैंने पोत दी है और उस पर गेरू से कलर भी कर दिया। पहले तो बिल्कुल सिंपल थी, उससे पहले ऐसी थी, तो फिर से मैंने ऐसे कर दिया, अच्छी लगती है ऐसे। तो अब मैं चूल्हा पोत रही हूँ, इस पर भी गेरू से करेंगे। तो देखिए अब मैं पोत रही हूँ ये वाला चूल्हा, और ये मैंने मिट्टी से तो पोत दिया, इधर लीप ही दिया, तो अब गेरू से कर रही हूँ। तो गोबर मिट्टी मैंने मिला लिया है और अब लीपेंगे आंगन। तो चाची भी लीपेंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब पूरा आंगन लिपेगा आज ही, और बाहर भी लीपेंगे। तो चलिए जल्दी से लीप लेते हैं और मैं और साधना लीप रही हूँ, मम्मी खाना बना रही हैं। तो आंगन तो पूरा लिप चुका है और अब हम लोग आ गए हैं बाहर। और रुचि को देखिए, रुचि कर रही है कलर पेड़ पे। तो देखिए अब थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई है और मौसम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, धूप भी निकल आती है और एकदम से बारिश भी होने लगती है। तो चलिए अब जल्दी से लीप लेते हैं।
पूरा घर लिप चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, चूल्हे देखिए कितने अच्छे लग रहे, फूल भी खिल चुके हैं और देखिए आंगन, और चाची भी लीपने लगी, और देखिए बाहर भी मैंने लीप दिया है, चाची का रह गया तो चाची भी अभी लीपेंगी। तो देखिए आप लोग कितनी तेज़ बारिश होने लगी लीप के, और थोड़ा थोड़ा सूख भी गया था और मुझे डर भी लग रहा था कि बारिश ना हो, लेकिन बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब सब मेहनत बेकार हो गई हम लोगों की। तो देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं टेबुल से, और पूरा आंगन और बाहर सब लीप दिया था, फिर बारिश हो गई तो हालत हो गई ख़राब। अब धूप निकल आई और फिर तो बारिश जैसा मौसम हो रहा, देखो अजय आगे चल रही प्रिया और साधना और रुचि, तो आलू लेन जा रहे टेबुल से। तो देखिए हम लोग हैं अभी टेबुल से, और चाबी लेके आए थे कमरे की, तो कमरे ही में तब से, और इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे थे, तो काफी देर हो चुकी, बहुत भयानक वाली शूटिंग चल रही थी, अब शूटिंग खत्म क्योंकि बारिश बहुत तेज हो चुकी है। देखिए हम लोग आए थे तब नहीं हो रही थी, और अब थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही। तो हम लोग आलू लेने आए थे, अब आलू भलने कमरा में रखे, उसके बाद फिर चलेंगे घर पे। और देखो लौकी तुरैया सब सड़ी गई, ना तो ले लेते। बारिश हो रही थी, हम तो थे कमरे में, और रुचि तुम कहाँ थी? रुचि अभी कुठरिया में, अब पता लगा लियो काउत कुठरिया। अब वीडियो नहीं कटी है, वीडियो तो ये डर गए। तो देखिए आलू लेके हम लोग चल रहे हैं घर पे, बारिश भी बंद हो गई, तो अब विनती करना सभी लोग बारिश ना हो। हम लोग सुबह से लगे हैं लीपने में, बाहर लीपा और फिर आंगन में पूरा, बहुत ज्यादा लीपने को था आप लोगों ने देखा ही है, और फिर बारिश हो गई पूरा खराब हो गया। अभी ज्यादा नहीं हुआ, और बारिश हो जाएगी तो पूरा हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अब ना बारिश हो, और कल हमारे घर पे होगा अखंड रामायण का पाठ, तो मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी, कोशिश करूंगी, और बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे। देखिए ये तीन लोग आ गए, अभी बहुत बहुत लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग ब्लॉग जरूर देखना, और भोले बाबा तो कहियो पानी न बसते। और इंस्टाग्राम पे आप लोग रील भी देख लेना, मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी रील शेयर की है वहाँ पे। आईडी का नाम है शोभा यादव 123, तो सभी लोग फॉलो कर लेना। और देखिए हम लोग रोड पे आ गए, तो अब चल रहे हैं घर पे आलू लेके। देखिए हम आलू रखे, और ये देखो कितने सुंदर चल रहे हैं, देखो ये रिश्तेदार हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं घर पे, और सब्जी बन चुकी है मट्ठे के आलू, तो हम लोग बनाने जा रहे हैं पूड़ी। तो चूल्हा जला दिया है, और चलिए अब जल्दी से पूड़ियाँ बना लेते हैं गर्मा गर्म। तो देखिए हम लोग हैं अभी अपनी छत पे, और ये देखो मठा के आलू पूरी खाए रहे सब। देखो प्रिया कैसे खाए में लगी, रुचि को देखो, साधना को। और देखिए और काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब अंधेरा होने वाला है, तो आज की ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल का ब्लॉग जरूर देखना, कल भी ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को बताया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।